नमस्कार, रेसिपी स्वदानों में आपका स्वागत है। आज हम बैंगन का एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी ट्राई करेंगे। आज हम बनाएंगे बैंगन का भजिया। ये खाने में बड़ा ही क्रिस्पी और मज़ेदार लगता है और साथ ही बनाना काफ़ी इजी है। तो चलो झटपट से स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। तो हमने भजिया बनाने के लिए यहाँ पर दो बैंगन का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। इसका डंडल कट करके इसे ऐसे राउंड शेप में हमें कट करना है। साइड में एक बर्तन में पानी रखिएगा। जैसे ही आपने बैंगन कट किया उसको पानी में डाल दीजिएगा। इससे क्या होता है कि बैंगन काला नहीं पड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट टिप जरूर याद रखिएगा, इससे कट किया हुआ बैंगन कभी काला नहीं पड़ेगा। बैंगन कट करने के बाद हम पकौड़े का बैटर तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर आधा कप बेसन लिया है और एक टेबल स्पून चावल का आटा। चावल का आटा डालने से पकौड़ा काफ़ी क्रिस्पी बनता है, तो उसे डालना ना भूले। और आधा टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है। नेक्स्ट हम एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा हींग ऐड किया है और एक टीस्पून नमक या स्वाद अनुसार नमक और एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बैटर प्रिपेयर करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि लम्स ना फॉर्म हो। तो हमने यहाँ पर अच्छे से बैटर को मिक्स करके प्रिपेयर कर लिया है। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी ना ही ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है भजिया बनाने के लिए। बैटर तो रेडी है, अभी हम बैंगन को एक प्लेट पर निकालेंगे। आप देख सकते हैं बैंगन बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा है। जैसा हमने कट किया था बिल्कुल वैसा ही फ्रेश दिख रहा है बैंगन। अभी हम इसका पकौड़े तैयार कर लेते हैं। हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें तेल ऐड कर देंगे फ्राई करने के लिए। तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसके बाद हम बैंगन के स्लाइसेस को अच्छे से कोट कर देंगे बैटर के साथ और तेल में ऐड कर देंगे। फ्लेम का ध्यान रखिएगा, हमें इसे हाई फ्लेम पर पकाना है, क्योंकि बैंगन को कभी भी हाई फ्लेम पर पकाया जाता है तभी वो प्रॉपरली कुक होता है अंदर से। हमने इसे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसे हम निकाल देंगे प्लेट पर। सेम प्रोसेस फॉलो करके हम बाकी के भी भजिया तैयार कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे अमेजिंग रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसको गर्मा गर्म ही सर्व कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। आप इसे एज ए स्टार्टर खा सकते हैं, भाजी के तौर पे इसको मील में इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और अमेजिंग टेस्ट लगता है इसका। तो आप इसको सॉस के साथ ऐसे ही नाश्ते में खा सकते हैं या तो चाय के साथ खा सकते हैं, जैसे मन करे आप एंजॉय कीजिए। तो कभी भी बैंगन लाए आपके घर पे, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।